और बिलासपुर में विभिन्न तहसीलों के किसान कार्यकर्ताओं ने किसानी की समस्याओं को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। भारतीय किसान संघ ने एसडीएम ईडीएम से धान खरीदी केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक तौल को अनिवार्य करना की बात कही है। धान खरीदी की मात्रा बढ़ाने और खराब मौसम के कारण टोकन का बढ़ाए जाने की मांग की है। और इसके साथ ही जिले में कार्यरत कृषक मित्रों का मानदेय अविलंब दिए जाने समेत किसानों के हितों में अन्य मांग की। भारतीय किसान संघ एक गांव से लेकर केंद्र तक राष्ट्रव्यापी संगठन है। तो हमारा हर महीने बैठक होता है। बैठक में किसानों के द्वारा विषय जो आता है, सुझाव मांग, उसको लेकर अपन हर महीने कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन देने आते हैं। जिसे इस महीने का था धान खरीदी केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक कांटा तौल, दूसरा है धान खरीदी बढ़ गया है तो टोकन बढ़ाया जाए, तीसरा है कृषक मित्र कार्यरत है 335 जिले में, उनका 2 साल से मानदेय नहीं मिला है, उसे तत्काल दिया जाए। विद्युत मंडल का शिकायत है कि वो हमको अस्थाई कनेक्शन दिए, 4-4 साल हो गया है, उसको स्थाई किया जाए और सर्वे कर ट्रांसफार्मर बढ़ाया जाए। उसके बाद है ग्रीष्मकालीन धान किसान बोते हैं,